वेलकम टू द टीआरसी टेक। तो चलिए आज सीखते हैं एचपी की पावर सप्लाई रिपेयर करना। जैसे कि आप देखोगे एचपी की पावर सप्लाई में क्या क्या इशू होता है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे फिजिकली पहले आप चेक करते हैं, जैसे कि फ्यूज़ और कोई भी बंट कंपोनेंट चला होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर फूल चुका है, स्वेलिंग आ चुकी है इसमें। तो ये हमारा कैपेसिटर सबसे पहले फॉल्टी कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैपेसिटर रिप्लेस करना होगा इस केस में। उसके बाद से जो सप्लाई कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो एचपी 202N की पावर सप्लाई है, और इसमें जनरली इशू क्या आता है, किस किस सेक्शन से क्या प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, जो हमारा मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये ऑप्टो कपलर है जो वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। तो कई कई बार केस में आपका फ्यूज़ यहाँ से ओवर, जैसे फ्यूज जैसे कैपेसिटर ओपन हो चुका है, तो ये क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ये काम नहीं करता है, तो सप्लाई पर लोड पड़ता है तो फ्यूज उड़ जाता है, और मतलब फ्यूज ओपन हो जाता है, सॉरी, देन आपका ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाता है, देन पावर सप्लाई आपका नो पावर हो जाता है, प्रिंटर डेड हो जाता है। तो सबसे पहले हम फिल्टर, यहाँ फॉल्टी है तो इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो फिल्टर में कितने वोल्ट का फिल्टर, आप देखिए फिल्टर की हालत भी ख़राब हो चुका है, ओके। तो फिल्टर कितने वोल्ट का है और कितने माइक्रोफैराड का लगा सकते हैं, तो आप 400 वोल्ट या 450 वोल्ट या किसी भी माइक 39 माइक्रोफैराड से अब कोई भी कैपेसिटर आप लगा सकते हो, जो कि इसके विड्थ और लेंथ के हिसाब से हो, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद चेक करेंगे। सबसे पहले फॉल्टी कंपोनेंट को चेंज करेंगे जो हमने देखा है, उसके बाद से चेक करेंगे कि और क्या प्रॉब्लम आ रहा है सप्लाई में, ठीक है। तो एक बार इसको निकाल के देखते हैं, लगाते हैं दूसरी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरे सारे लेट नोटिफिकेशन जितने भी मेरे वीडियो अपलोड हैं आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा आपने बेल आइकन प्रेस कर लिया। तो मैं ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए चलते हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आयरन हीट हो चुका है क्योंकि अभी, ठीक है, तो ये आयरन हीट हो चुका है, देखिए निकल गया, ओके। जब आयरन हीट हो जाता है इंस्टेंट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो हम इसको निकालेंगे। आप इसे ऑन साइट भी रिपेयर कर सकते हो, बस आपको कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत है, बस वो आप समझ जाओ, बस आप आराम से रिपेयर कर सकते हो किसी भी लेजर जेट पावर सप्लाई को, ठीक है। इस रिपेयर करने का तरीका जो होता है वो सेम होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको होल्स को क्लियर कर लेंगे, जिससे हम कंपोनेंट लगाएं तो आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए जो हमारा कैपेसिटर था ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ये फूल चुका है, यहाँ से लिक्विड इसका निकल चुका है, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू है देखिए 450 वोल्ट 56 माइक्रोफैराड। तो हम इसे दूसरा किसी भी पावर सप्लाई से 10 20 10 22 किसी भी पावर सप्लाई से हम निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम पावर सप्लाई को, एक बार कैपेसिटर को देखते हैं, उसके बाद से फिर इसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास ये सेम वैल्यू हो, तो आप डिफरेंट भी लगा सकते। मैं अपना एक, मैंने इसमें एक पीसीबी लिया है, ये है आपका मॉनिटर का, तो इसका कैपेसिटर हम इसमें लगाएंगे, यूज़ करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। किसी का भी कैपेसिटर हो, साइज़ आपका सेम होना चाहिए, हाइट सेम होना चाहिए, जिससे देखिए साइज इसका सेम है ऑलमोस्ट, छोटा भी लगा सकते हो हल्का सा, और बड़ा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले ये गमिंग है चिपका हुआ ग्लू गन से, तो इसको हम निकालेंगे और फिर लगाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, मैं दूसरा लेता हूँ क्योंकि ये इसका कवर है वो हट गया है, तो इसे शॉर्ट सर्किट ना हो, तो मैं यहाँ पे ये कैपेसिटर ले लूँगा, ठीक है। एक देख दूसरा कैपेसिटर, फिर मेरे पास मल्टीपल पीसीबी है, 150 माइक्रोफेराड और एक 450 वोल्ट, इसको निकाल के हम लगा लेंगे और फिल्टर को रेडी कर, सॉरी सप्लाई को रेडी करेंगे, ठीक है। इस
वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी पावर सप्लाई से रिलेटेड, और पावर सप्लाई की वोल्टेज भी हम चेक करना सीखेंगे, कौन से कहाँ पे आता है, किस वजह से पावर सप्लाई काम नहीं करता। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसे दोनों आपको लगा लेने हैं। ये ब्लैक वाला जो आपका सेक्शन है, ये पट्टी है, ये इधर ब्लैक की तरफ रहेगा, बाकी आप फिर आपको यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेना है। ठीक है, सोल्डरिंग करोगे जैसे ऐसे आपको सोल्डरिंग कर लेना, फाइन। ये देखिए अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है हमारा, और ऐसे हम सोल्डरिंग करते हैं। ओके, तो आपको इसमें सोल्डरिंग में आपको क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी से हम एक्स्ट्रा जो लेग है उसको हम कट कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये कटर है, एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर लेंगे कटर के मदद से। कट कर लिया, अभी हमारा शोल्डिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी शोल्डिंग हुई है। ओके, और अब चेक करते हैं और क्या कंपोनेंट इसमें फॉल्टी है, तो अंत तक देखिए तभी आप समझ पाओगे वीडियो को देखकर, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो अब मैंने मल्टीमीटर को बजर रेंज पे रख लिया है, अब चेक करते हैं फ्यूज को। ठीक है, फ्यूज हमारा ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पे बीप बीप कर रहा है लेकिन ये बीप नहीं कर रहा। अब चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, और ये चार इसमें पॉइंट हैं, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पे बीप नहीं दे रहा, यहाँ पे भी नहीं दे रहा, यहाँ पे भी नहीं दे रहा, यानी कि हमारा वो लोड के कारण वो क्या होगा, ओपन हो गया होगा फ्यूज। और ये हमारा मॉस्फेट है, तो मॉस्फेट को भी चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग है या नहीं है। देखिए तो मॉस्फेट में शॉर्टिंग नहीं है। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, और उसके बाद से हम चेक करें, अब इसको फ्यूज को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे न्यू वन, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए हमने फ्यूज इसको निकाल लिया, और यहाँ पे बजर रेंज पे चेक करते हैं इसको, कैपेसिटर चेंज कर दिया और फ्यूज चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और कुछ शॉर्टिंग मिला नहीं आपको, ब्रिज रेक्टिफायर चेक कर लेना है। और उसके बाद से देखिए इस तरह से कुछ पैक एक बॉक्स में आता है, फ्यूज आता है, तो ये आपको सेम आप फ्यूज लगा लेना है। देखिए यहाँ पे फ्यूज, यहाँ पे मल्टीपल आता है, तो हमने मंगाया हुआ है, 50 रुपये का आता है 100 पीस, तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। अब आपको लगाने में कोई आसानी नहीं होगा, जंपर लगाने का ट्राई ना करो, क्योंकि फ्यूज सही रहता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने फ्यूज लगाया, फ्यूज ओके है। देखिए यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए बीप कर रहा है। ओके, बजर रेंज पे आप देखोगे तो बीप कर रहा है। ओके, फ्यूज हमारा ओके हो चुका। अब इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे पावर लगाते हैं, यहाँ पे हमारा शॉर्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और कोई इशू तो है नहीं, तो और कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, डायोड रेंज पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा डायोड रेंज पे बता रहा है, एक साइड से एक साइड से, तो डायोड का जो इम्पीडेंस है वो आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें पावर कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम पावर लगा लेते हैं। ये देखिए अब इसमें हम लगाएंगे पावर। सबसे पहले उसके बाद से फिर सप्लाई को ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए सप्लाई हमारी शॉर्ट हो चुकी है, इसके वजह से MCB गिर गई है, तो फिर हम इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। अब देखेंगे इसमें हमारा प्रॉब्लम है कहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, तो अब ब्रिज रेक्टिफायर या ये जो हमारे सर्ज बाईपास कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसका प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ पे ओप, ठीक है, या देखिए तो ये हमारा शॉर्टिंग मिल चुका है। देखिए ये जो कंपोनेंट है, इधर ये कंपोनेंट फटा हुआ है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे फिर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो
ये कंपोनेंट फट गया है देखिए, और फिर हम यहाँ पे मॉसफेट को भी चेक करेंगे ठीक है बजर पे, तो बजर पे चेक करेंगे। देखिए हमारा ये शॉर्ट है, मॉसफेट शॉर्ट है ठीक है। ओ नहीं सॉरी, मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, नहीं दिखा रहा है, वो एक वन टाइम के लिए आया था। अब ब्रिज रेक्टिफायर भी नहीं शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ये हमारा शॉर्ट है ठीक है। अब इसे हम रिप्लेस कर दे निकाल देते हैं और फिर चेक करते हैं ठीक है। इसीलिए हमने डायोड रेंज पे पहले चेक कर लिया था कि यह क्या हमारा प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वहाँ पे दिखा रहा था शॉर्टिंग, तो मैंने बोला एक बार लगा के देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली। देखिए फट चुका था, जल चुका था, तो मैंने यहाँ से निकाला है। ओके तो एक बार दोबारा चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे टर्मिनल पे चेक करके जान जाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम किस सेक्शन पे है, शॉर्ट है या नहीं है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ठीक है दोस्तों, ये देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। मल्टीमीटर पहले नहीं तो पहले वन डॉट कुछ करके दिखा रहा था ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपका कहना होगा कि ये किस लिए है, तो ये जो हमारा है इसे मैं स्टिकर को हटाता हूँ तो आपको ट्रैक में दिख जाएगा। ये लीजिए ये जो ट्रैक है क्यों दिया है, तो ये देखिए ये जो ट्रैक है ये रिले से होकर ही यहाँ पे आया है ठीक है। तो ये जो पावर पावर जाता है इधर से, इसके लिए फिल्टर के लिए लगा है कि जो सर्ज बाईपास सर्ज का करंट है उसको ये फिल्टर करता है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है इसमें ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे 8 PM IC, ये भी ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, इस सप्लाई से निकाल के देखेंगे कंपोनेंट होगा तो लगा देंगे। देखिए ये जो कंपोनेंट है कोई इशू नहीं, हम दोबारा से अब लगा के पावर को देख लेते हैं, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वो कंपोनेंट नहीं लगाओगे तो भी कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं है, वो सिर्फ फिल्टर करने के लिए। एक बार पावर सप्लाई को यहाँ पे बंद करते हैं, एक बार लगा के दोबारा से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, फ्यूज लगाना है, फ्यूज हमारा शॉर्ट हो चुका था ठीक है। तो फ्यूज लगाएंगे, फ्यूज खाली है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, तो एक फ्यूज लगा लिया दोबारा से ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पावर लगाएंगे, चेक करेंगे ओके। अब देखेंगे इसमें क्या है ठीक है, ऑन करेंगे, ऑन हो चुका हमारा पावर सप्लाई सक्सेसफुली। अब इसमें वोल्टेज चेक करेंगे 300 वोल्ट DC ठीक है। तो हमारा देखेंगे पावर कहाँ तक आ रहा है, कैपेसिटर तक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कैपेसिटर रहेगा ये रहा हमारा, और ये हमारा मल्टीमीटर ठीक है। तो हम यहाँ पे 300 वोल्ट DC चेक करेंगे, 300 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट आने लगेगा, बस वो शॉर्ट के वजह से वो पावर नहीं आ रहा था ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, 24 वोल्ट हमारा आ चुका, यह फ्यूज था इस पर इसीलिए नहीं आ रहा था ठीक है। तब मैं यहाँ पर चेक करने लगा था, ध्यान दे रहा था कैमरे की तरफ, देखिए 24 वोल्ट आ गया। अब हम यहाँ पर ये प्रेस करेंगे, वो सर्ज बाईपास के लिए लगा होता है, वो जल जाएगा कोई इशू नहीं है, उसे निकाल के फेंक दीजिए चल जाएगा आपकी पावर सप्लाई। देखिए यहाँ पे ये स्विच को प्रेस करेंगे तो 24 वोल्ट आना चाहिए, देखिए ये पावर सप्लाई ड्रॉप हो चुका क्योंकि वोल्टेज नहीं है। देखिए यहाँ प्रेस करेंगे 24 वोल्ट आना चाहिए, बंद हो गया, वोल्टेज कम हो गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि लोड नहीं है ठीक है दोस्तों। अगर देखिए 15 वोल्ट यहीं से हो गया ठीक है, तो तुरंत चेक करना होता है, जैसे अभी डिस्चार्ज होता है फिर, तो जैसे आप यहाँ पे जैसे 15 वोल्ट आ रहा है, तो इसे आप चेक करोगे
तो ऐसे स्विच छोड़ोगे तो जीरो हो जाना चाहिए। प्रेस करोगे जैसे आप डोर क्लोज करते हो प्रिंटर का, तो यहाँ पे ऐसे ही क्लोज होता है तो इस सप्लाई मूवमेंट करने लगता है मोटर, ठीक है, ईसीयू एक्टिव हो जाता है। तो ये अगर ऐसे छोड़ते हो फिर क्लोज कर दे ओपन कर देते हो तो ये ऐसे हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, नीचे फिर क्लोज कर दो नीचे प्रेस हो जाता है, तो ये इंजन मूवमेंट करने लगता है, डोर कवर ओपन, डोर ओपन, डोर क्लोज हो जाता है। इस तरह से ओपन रहता है तो ओपन का मैसेज आने लगता है, ठीक है। अगर आपका पावर सप्लाई इश्यू आपने चेंज कर लिया किस सेक, तो इश्यू सेक्शन का अगर फॉल्ट होता है, अगर आपका इंजन मूवमेंट नहीं करता है, तो ये जो छोटा सा आपका वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है और ये मॉस्फेट लगे हुए हैं, इसको रिप्लेस कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये उस केस में ये फॉल्ट होता है, आप इसको चेंज करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।